या तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए अब अभिभावक खुलकर सामने आने लगे हैं। नाहन में जिला सिरमौर अभिभावक संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने रणनीति तैयार कर ली है। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में स्कूल संचालकों की खुलेआम मनमानी चली हुई है और मनमर्जी से स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। वहीं सरकार भी निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए अभिभावक संघ के मुख्य सलाहकार आशीष कुमार ने बताया कि कोरोना काल में राहत देने की बजाय अतिरिक्त फंड स्कूल प्रबंधन द्वारा वसूले जा रहे हैं। कई तरह के फंड वसूलने के लिए ट्यूशन फीस को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी निजी स्कूल के भीतर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का भी सही तरीके से गठन नहीं किया गया है, ताकि स्कूल अपनी मनमर्जी से फैसले ले सके। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी मर्जी के मुताबिक फीस ली जा रही है, उनके बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में क्यों स्कूल प्रबंधन उनसे अतिरिक्त फंड वसूल कर रहा है। अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। गौरतलब की बात है कि लगातार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मगर अभी तक सरकार निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक नहीं लगा पाई है। तो आइए जानते हैं पूरी बात मुख्य सलाहकार छात्र अभिभावक संघ जिला सिरमौर आशीष कुमार व अभिभावकों ने क्या कहा। आज जो नाहन के अंदर जिला सिरमौर के हम छात्र अभिभावक मंच का एक गठन कर रहे हैं और इसमें एक बैठक की जा रही है। इसमें दो दर्जन से ज़्यादा जो अभिभावक बच्चों के जो भाग ले रहे हैं नाहन के अंदर या जो जिला सिरमौर के अंदर जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, निजी स्कूल है, वहाँ स्कूलों की जो मनमर्जी चल रही है, चाहे फीस को लेकर, चाहे वो अलग अलग के जो फंड दिए जा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जब हमने देखा पिछले एक वर्ष से कि बच्चों ने स्कूल में नहीं गए, ऑनलाइन उनकी एजुकेशन हो रही है, और जबकि सरकार ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि सिर्फ कोरोना काल में ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, लेकिन अब स्कूलों ने क्या कर दिया है कि ट्यूशन फीस में ही और फंडों को जोड़कर वो ट्यूशन फीस को बढ़ा दिया है। दूसरा, किसी भी स्कूल के अंदर जिला सिरमौर के हम जो पेरेंट्स टीचर एक एसोसिएशन होती है PTA का, वो सही तरीके से गठन नहीं होता। वो अपनी मर्जी से स्कूल के जो प्रशासन है नाम लिख के अपनी मर्जी से PTA का गठन कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से PTA का जो गठन होता है, कोई उसके लिए मीटिंग या कोई उसके लिए चुनाव प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं करवाता है, हम उसकी भी मांग करते हैं। और दूसरा, जो स्कूलों के अंदर बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर फंड, पता नहीं कौन कौन से फंड, जब बच्चे उन चीज़ों का स्कूल में यूज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट तक भी बच्चे अपने घर में अपना खर्च रहे हैं, 500 रुपये 600 रुपये महीना खर्चा जाता है, अगर किसी के दो बच्चे तो 1000 तक भी चला जाता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज लेने में, तो ऐसी दिक्कतें आ रही है। और स्कूलों के अंदर जो फीसों में जो वेरिएशन है वो भी एक अलग अलग है, बहुत दिक्कत का सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में फीसें ज़्यादा वसूल दी जा रही है जी हमसे, और आजकल बच्चों को स्कूल भी नहीं लग रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कहीं सिग्नल आ रहा कहीं आ नहीं रहा, कईयों की क्लासें लग रही कईयों की नहीं लग रही है, कईयों बच्चे गांव में जिनके स्कूल नहीं, बच्चे नहीं है गाँव में, पेरेंट्स अभी स्कूल तो लग नहीं रहे, तो गाँव में सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम आ रही, क्लासें रेगुलर नहीं लग रही बच्चों की, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। पर सबसे ज़्यादा परेशान तो हमें भाई गरीब है, बड़ी मुश्किल करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे, अपने बुरे हाल कर रहे, घरों से बेच के आ गए अपने बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए। और प्राइवेट स्कूलों का ये है कि जब क्लास ही नहीं लग रही तो हमारे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम अपने आप तैयारी करा सके, फीस बहुत ज़्यादा ले रहे जी हमारे से। हम चाहते हैं सरकार से कि भाई इसके ऊपर गौर किया जाए, हमारी फीस से जब स्कूल ही नहीं लग रहे तो फीस से क्यों ले रहे इतनी, थोड़ी सी फीस से तो ज़्यादा है ना, फिर हम क्या करें फिर। सर मेन प्रॉब्लम है अब एक तो कोरोना काल, हाँ जी, और ऊपर से प्राइवेट स्कूलों की फीस, एनुअल चार्ज वगैरह वगैरह आपको पता ही है। और फिर हम लोग गांव से आए हैं सिर्फ बच्चे पढ़ाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास में कोई और सोर्स नहीं है, है ना, यही है, हम भी बेरोजगार हैं, मतलब जमींदारा करते हैं हम। हम सरकार से ही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान दे भाई, कि ये ना तो बहुत मनमानी कर रहे हैं। हमें मनमानी चल रही है सर, हाँ जी, और एनुअल चार्जेज ज़्यादा ले रहे हैं, है ना।